राजधानी भोपाल में चल रही आईपीएस मीट के दौरान वाटर स्पोर्ट्स आयोजन में बड़ा हादसा टल गया। राजधानी के बड़े तालाब में आईपीएस अधिकारी व परिजनों से भरी एक नाव पलट गई। हालांकि लाइफ जैकेट पहनने के चलते बड़ा हादसा टल गया, साथ ही सेफ्टी गार्ड भी तत्काल अधिकारियों को बचाने के लिए पहुंच गए। आईपीएस मीट के दौरान भोपाल के बड़े तालाब में पुलिस अधिकारियों से भरी नाव पलट गई। जो नाव पलटी उसमें डीजीपी वीके सिंह की पत्नी तुहिन सिंह, आईपीएस अधिकारी राजेश चावला और उनकी पत्नी सुनीता चावला, एडीजी विजय कटारिया के बेटे दीपांशु कटारिया, आईपीएस अधिकारी के बेटे अपूर्व अर्जरिया के अलावा कुछ अन्य अधिकारी व परिजन मौजूद थे। सभी ने सुरक्षा के चलते लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जैसे ही हादसा हुआ, सुरक्षा बल और सेफ्टी गार्ड पानी के बीच पहुंच गए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सूत्रों के मुताबिक नाव में ज्यादा लोग सवार हो गए थे, इसी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।